अयोध्या की तस्वीरें आज से महज 6 महीने पहले यानी कि जनवरी 2024 की है। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के वक्त की इस अयोध्या को देखकर किसी का भी दिमाग चकर घिन्नी की तरह घूम जाए। 30,000 करोड़ की परियोजनाओं को जो केंद्र और राज्य सरकारों ने जमीन पर उतारने की कोशिश की थी, उससे लग रहा था कि सदियों से कोर्ट कचहरी की फाइलों में दबे अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। बीजेपी ने अयोध्या की डेवलपमेंट को सरकार की उपलब्धि के तौर पर पेश किया और देश विदेश के हर पटल पर अयोध्या की बदली हुई तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। अयोध्या में चारों तरफ बीजेपी का पताका लहराता दिखा, लेकिन 4 जून 2024 की दोपहर तक एक खबर आने लगी कि बीजेपी अयोध्या सीट से काफी पीछे चल रही है और आखिरकार शाम तक साफ हो गया कि बीजेपी को अयोध्या में सपा के कैंडिडेट ने करारी शिकस्त दी है। ये खबर बीजेपी समर्थकों के लिए इमेज में एक डेंट की तरह था और देखते ही देखते गलियों से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक ये खबर भीषण बाढ़ की तरह फैल गई कि इतनी सौगातें देने के बाद भी बीजेपी अयोध्या नहीं बचा पाई। आरोप प्रत्यारोप सवाल जवाब के बाद बीजेपी ने अयोध्या हार पर मंथन शुरू किया और आखिरकार कई बड़े बदलाव का फैसला किया गया। दावों की माने तो बीजेपी की अयोध्या हार के पीछे 5 अहम वजह बताई गई। पहली वजह, अयोध्या के लोगों को हो रही दिक्कतों को बताया गया, यानी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा बन गया। बहरहाल सुरक्षा एजेंसियों और लोकल प्रशासन ने अयोध्या में सिक्योरिटी टाइट कर दी और एक सर्कल जोन बना दिया गया। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई और वाहनों से लेकर बाकी गाड़ियों को सिक्योरिटी जोन में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया जाने लगा। जिन स्थानीय लोगों के पास येलो जोन कार्ड नहीं होता था, उन्हें करीब 1 से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता था, जिस वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें होती थी। लेकिन अब अयोध्या के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। दावों की माने तो अब अयोध्या के लोकल गाड़ियों को प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। नगर निगम और लोकल प्रशासन ने फैसला लेते हुए दावा किया कि अब अयोध्या में रहने वाले लोगों को बैरियर पॉइंट पर बस अपना पहचान पत्र दिखाना होगा और उन्हें एंट्री मिल जाएगी। बाहर से आने वाले विजिटर को भी सिटी में एंट्री को लेकर कुछ सहूलियत दी गई है। अब बाहर से आने वाले लोग साकेत पेट्रोल पंप से लता मंगेशकर चौक और नया घाट अपनी गाड़ी ले जा सकेंगे। अभी 2-3-4 दिन पहले ही नगर पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीमों ने सभी बैरियर्स का सर्वे किया और लोकल जनता से वहाँ पे फीडबैक भी लिया। जहाँ तक सुरक्षा पे कम्प्रोमाइज ना करते हुए, जहाँ तक आम आदमी के वाहन की संचालन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू कर दिया गया। श्री राम अस्पताल तक वाहन जा सकते हैं, लता मंगेशकर चौक तक किसी का भी वाहन आ सकता है, बड़ी गाड़ियाँ साकेत पेट्रोल पंप तक आ सकती, और लता मंगेशकर चौक से और श्री राम अस्पताल तक के बीच का जो एरिया है वहाँ पे हमारी ईवी बसेज हैं, ई रिक्शाज हैं, और हमारे जो लोकल लोग जिनको येलो जोन वाहन पास धारक हैं, उन सबको भी आवागमन की सुविधा है। कुल मिला के प्रयास यह है कि सुरक्षा से समझौता किए बिना आम श्रद्धालुओं को भी और आम नागरिकों को भी कितना आवागमन की सुविधा दी जा सकती है, उसको लगातार हम लोग उसका फील्ड में जाके सर्वे भी करते हैं, लोगों से फीडबैक भी लेते हैं और उन सब चीजों को आगे संचालित करने का प्रयास। वही अयोध्या में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा लूपहोल जमीन अधिकरण को बताया गया। आरोप लगे कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र डेवलपमेंट के दौरान जिन लोगों की दुकान मकान अधिकरण किया गया, उन्हें सही से मुआवजा नहीं दिया गया और जिन लोगों को दुकान आवंटित की गई थी, उनमें भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के नाम पर 15 से 20 लाख की मांग की गई, वो भी महज कुछ महीने के अंदर। दुकानों के लीज भी महज 30 सालों तक रखने का दावा किया गया, लेकिन आम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब बैंक ने भी लोन देने से इनकार कर दिया। अब 20 जून को विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें दुकानों की लागत में 30% की कटौती की गई है। साथ ही रामपथ डेवलपमेंट के दौरान जिन दुकानदारों को रिलोकेट किया गया था, उनमें 80 दुकानदारों को चाबी सौंपी गई। दुकानदारों को 20 साल के ईएमआई पर दुकानें देने की घोषणा की गई। देखिए, एक वो शुरू में ही लगता था कि हम लोगों को पैसा नहीं लेना चाहिए इनसे, मेरा ये व्यक्तिगत मत था क्योंकि मैं विकास प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य भी हूँ, कि उन लोगों से पैसा नहीं लेना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि नहीं, इनसे कंस्ट्रक्शन कास्ट किया जाए, और ये हुआ कि पहले बैंक से इन लोगों को दिलाया जाए, फिर इस पर यह हुआ कि नहीं, बैंक के अलावा जो हम लोगों की कंस्ट्रक्शन कास्ट है, उन्होंने की आसान किस्तों में उसको विभाजित करके उनसे पैसा लिया जाए। फिर ये समझ में आया कि कुछ चीज़ें हम लोग उनसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसको भी हम लोग छोड़ सकते हैं, और 20-30% हम लोगों ने विकास प्राधिकरण ने छोड़ दिया। तो जिन लोगों की भी दुकानें रामपथ से विस्थापित हुई थी, आज उनको एक बहुत अच्छी MLCP बनी हुई है जिसपे हम लोग उनको दुकानें आवंटित कर रहे हैं और उनके व्यापार का एक अच्छा अवसर है उनके। दावों की माने तो अयोध्या को लेकर तीसरा सबसे बड़ा फैसला लोकल डेवलपमेंट और जमीन अधिग्रहण को लेकर किया गया।
बताया जा रहा है कि फिलहाल कोई भी नया फ्लाईओवर नहीं बनेगा, पुराने मंदिर नहीं टूटेंगे, साथ ही अयोध्या विकास योजना में आबादी वाले क्षेत्रों को भी छोड़ने का फैसला लिया गया है। वहीं अयोध्या एरो सिटी डेवलपमेंट को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए। दरअसल एरो सिटी डेवलपमेंट को लेकर जमीन अधिग्रहण होना था, लेकिन 7 गांव के किसान इसको लेकर प्रदर्शन करने लगे और शायद इसीलिए इस प्रोजेक्ट को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। साथ ही रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए 150 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना था, लेकिन बीकापुर के 7 से 8 गांव के किसान इसका विरोध कर रहे थे। एरो सिटी का भी अभी भविष्य क्या है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अयोध्या को लेकर हमारा विचार परिवार, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी भारतीय केंद्र की सरकार, सभी लोगों के मन में एक आध्यात्मिक अयोध्या के वैभव को स्थापित करने की एक योजना है और उस पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 84 कोस परिक्रमा परिपथ के अंतर्गत सारी चीज तीर्थों का विकास हो रहा है। ये तो रही बात क्या नया होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, लेकिन इस बीच अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में डेवलपमेंट करने का भी प्लान तैयार हो रहा है। दावों की माने तो अयोध्या और गोंडा के कुछ इलाकों को मिलाकर 41 गांव को डेवलप किया जाएगा। अयोध्या नगर निगम में 41 नए गांव शामिल हुए हैं, मगर उन्हें डेवलप नहीं किया जा सका। ये सभी गांव 2020 में नगर निगम में शामिल हुए थे। 4 सालों में कुछ सड़कों को छोड़कर यहां कोई विकास नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब इन गांवों को सेमी सिटी विलेज बनाने की कवायद तेज हो गई है। निगम इन गांवों का जल्द GIS सर्वे कराने जा रही है, साथ ही जल्द से जल्द घर घर पेयजल पहुंचाने की शुरुआत होगी। देखिए, जो 41 राजस्व गांव हम लोगों को हमारे विस्तारित क्षेत्र का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार और नगर निगम दोनों इन सब चीजों के लिए विशेष प्रयास कर रहा है, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो। और हम लोग, हमें उम्मीद है कि हम अगले 2 सालों में वहाँ पे हर घर में नल से जल दे देंगे। हमें उम्मीद है कि अगले 5-6 महीनों में हम वहाँ पे रोड लाइट का पूरा वहाँ पे नेटवर्क खड़ा कर देंगे। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत जितनी महत्वपूर्ण सड़कें हैं उनको भी हम लोगों ने ले रखा है और आगे उन सड़कों का जाल और भी प्रभावी ढंग से हम लोग उसको पेनिट्रेट करने जा रहे हैं और अच्छे से करेंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।